Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. गाइस जैसे कि आपको पता है कि गाइस अभी के लिए जो रेसलमेनिया 39 के लिए जो रूमर मैच है गाइस वो है रेसलमेनिया का मेन इवेंट जो कि होने वाला है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच बिटवीन चैंपियन रोमन रेंस वर्सेस द रॉक। लेकिन गाइस शायद से ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अगर सर गाइस ऐसे हो जाता है कि लास्ट मोमेंट पे गाइस द रॉक रेसल नहीं कर पाते तो गाइस WWE ने पहले से ही एक फुल टाइम एक स्टार है गाइस उसको फिक्स करके रखा है रोमन रेंस का रेसलमेनिया के लिए बैकअप ओपोनेंट। सो गाइस पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले अगर आप WWE के बड़ा वाले फैन हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि जो कि हमारे द रॉक है गाइस वो एक बहुत ही बड़े स्टार है हॉलीवुड में और ये चीज़ क्लियरली दिखा देगा कि द रॉक गाइस एक बहुत ही बिजी आदमी है और ये बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है द रॉक जैसे आदमी को कि वो 3-4 महीने WWE के लिए निकाले यानी गाइस रेसलमेनिया के बाद भी गाइस 1-2 महीना रॉक को हीलिंग के लिए लगेगा लेकिन द रॉक के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने लगे शायद से द रॉक ये चीज़ हमको करते हुए दिखने वाले क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो गाइस रेसलमेनिया में WWE प्लान कर रही है द रॉक का रिटायरमेंट मैच अगेंस्ट रोमन रेंज। देखा बता रहे रॉक का लास्ट मैच रेसलमेनिया 32 में था अगेंस्ट एरिक रोवन जो कि एक कोई भी हालत में एक मेमोरेबल मैच नहीं था और ये भाई ये बनता द रॉक है और इसका मैच गाइस मेमोरेबल तो होना ही चाहिए इसलिए गाइस WWE द रॉक को मोस्ट प्रोबेबली रोमन रेंज के लिए रेसल कराने के लिए तो लाने ही वाले क्योंकि अगर सर लास्ट मोमेंट पे कोई इश्यूज हो सकते द रॉक के साथ तो गाइस पॉसिबली द रॉक को रिप्लेस करते हुए देख सकते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। अभी गाइस मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं गाइस द रॉक लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर सकते हैं ऐसे कि गाइस द रॉक एक बहुत ही बड़े स्टार है हॉलीवुड में और अगर गाइस हमको लास्ट मोमेंट कोई अर्जेंट काम आ जाता है तो गाइस द रॉक हमको मैच छोड़ते हुए भी देख सकते हैं और गाइस WWE रेसलमेनिया को ऐसे तो नहीं रख सकती द रॉक के भरोसे इसलिए उन्होंने पहले से ही बैक ओपोनेंट छोड़ के रखा है और वो ओपोनेंट होने वाले हमारे कोडी रोड्स। गाइस अब बिल्कुल सही सुन रहे हैं जो कोडी रोड्स ने लास्ट तरीके रेसलमेनिया में उनका रिटर्न किया था गाइस WWE ने भी फिलहाल उनको बैकअप ओपोनेंट रखा है रोमन रेंस का गाइस WWE का ये मानना है गाइस कोडी रोड्स के पास बहुत ही ज्यादा मोमेंटम है अभी और गाइस अगर जब हम WWE की जो टीम छोड़े और बाकी सब देखते गए कि तब से बड़ा बेबी फेस सुपरस्टार कौन है तो डेफिनेटली गाइस कोडी रोड्स का नाम वहां पे आएगा इसलिए गाइस WWE ये चीज कंसीडर कर रही है कि अगर जब रॉक रेसलमेनिया के लिए रिटर्न नहीं आ पा रहे तो वो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच कराने वाले और अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप यानी अगर जब रॉक नहीं आ पाते कोई भी रीजन के वजह से तो उनको रिप्लेस करेंगे कोडी रोड्स और हमको रेसलमेनिया का मेन इवेंट देखेगा फॉर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप बिटवीन चैंपियन रोमन रेंस द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। ओ गाइस जैसे और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।